हेलो गाइस, आप सभी का पेगासस करियर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एलजेब्रा का सेशन, जिसके अंदर हम एलजेब्रा के लगभग सभी टाइप को कवर करेंगे और ये आने वाले सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, तो आप मेरे साथ जुड़ते रहें। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो अपने सामने पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस रूट 15, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब जब इसका मान चाहिए तो आपको देखना पड़ेगा, ये होता है x प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स। अब आप इसका मान निकालोगे तो अपने पास इसका आंसर आएगा। तो आपने देखा भाई, x का मान तो अपने पास पता है, 1 अपॉन एक्स का मान अपने को चाहिए। तो यहाँ से आप देखते हैं कि x का मान दिया गया आपको 4 प्लस रूट 15। अब आप इसका रेसिप्रोकल यानी 1 अपॉन एक्स का मान चाहिए, तो ये भी तो हो जाएगा 1 अपॉन 4 प्लस रूट 15। अब देखो, इसको थोड़ा सा आपको सही करना है, रेशलाइजेशन करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करा दो आप 4 माइनस रूट 15, एंड डिवाइड में भी आप माइनस करें, मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस रूट 15। तो नोमरेटर और डिनोमेटर दोनों को मल्टीप्लाई का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो, जैसे आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपको पता है क्या, 1 का मल्टीप्लाई ये तो कितना आएगा 4 माइनस रूट 15, और अपन देखो 4 प्लस रूट 15 4 माइनस रूट 15, यानी a प्लस बी एंड a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा यहां पर, यानी a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यानी 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, रूट 15 का स्क्वायर 15, 16 में से 15 घटाओ बचेगा 1, यानी अब आपके पास आंसर कितना आएगा 4 माइनस रूट 15। अब जैसे आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो अपने पास रूट 15 से रूट 15 कटेगा, इसका मान कितना आएगा 8, यानी 8 का करेंगे आप स्क्वायर माइनस x से x कट गया 2, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2, आपका आंसर कितना आएगा 62। ऐसे आपको सॉल्व करना है, तो इनको आप देखेंगे ध्यान से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने इस तरफ से। इसके लिए आपको एक चीज ध्यान में रखनी होगी कि एक फॉर्मूला होगा एलजेब्रा के अंदर कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास 0 बने, यानी कोई भी तीन संख्याओं के स्क्वायर का सम 0 आए। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि ए बी और सी तीनों संख्या ही 0 के बराबर होगी, वरना आपके पास ओवरऑल चीज सही नहीं होगी। जब भी ऐसी कंडीशन है तो ए बी सी सब के सब 0 होगा। अब इन्हीं क्वेश्चनों को आप शॉर्टकट करेंगे, यानी यहाँ पर भी आपका स्क्वायर बनेगा इज इक्वल टू 0 आएगा, तो आपको पता 0 रखना पड़ेगा बराबर। अब ऐसे क्वेश्चन आप डायरेक्टली कंपेयर करते हुए सॉल्व करेंगे कि इसके में से आप 2 को बाहर रख देंगे, अब बाकी को आप कंपेयर करेंगे, यानी ए स्क्वायर के बराबर माइनस ए, तो ए का मान यहाँ से कितना है आपके पास माइनस 1। सेम इसी तरह से आप बी स्क्वायर के कंपेयर करेंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी, तो बी का मान अपने पास कितना रहेगा 1। सेम इसी तरह आप 49 सी स्क्वायर को कंपेयर करेंगे तो इस साइड कितना दे रखा माइनस 28 सी। अब यहाँ से देखो सी का मान कितना आएगा माइनस 4 बाई 7। तो यहाँ से आपने ए बी एंड सी तीनों के मान निकाल चुके हैं। अब आपको जिसका मान पूछा गया उसका मान आप निकालेंगे, ए प्लस बी यानी माइनस 1 ए का मान, बी का मान प्लस 1 माइनस 7, सी का मान है माइनस 4 बाई 7। अब देखो माइनस प्लस और ये कट गई दोनों, माइनस इंटू माइनस प्लस 7 से 7 कट के आपका आंसर कितना आएगा 4। ऐसे आपको सॉल्व करना है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके पास एक शानदार क्वेश्चन है, सी एच एस एल के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो अब देखो इस क्वेश्चन को 8 6 की पावर k की पावर 6 प्लस 15 k की पावर 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देन पूछा गया आपको k प्लस 1 अपॉन k का पॉजिटिव मान कितना होगा। अब देखो इन्हीं इक्वेशन को आप सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे कि भाई आपको दिया गया 8 k की पावर 6, अब देखो 15 k की पावर 3, इसको आप तोड़ के ऐसे लिखो कि जोड़ने घटाने से तो 15 आना चाहिए और मल्टीपल करने से 8 इंटू 2 16 आना जरूरी है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्लस 16 k क्यूब माइनस k क्यूब माइनस 2 इज इक्वल टू 0, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपने दो रूट्स के अंदर इसको तोड़ दिया। अब देखो यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं 8 k की पावर 3, तो अंदर बचेगा k की पावर 3 प्लस 2, यहाँ से इन दोनों में कॉमन लेंगे आप माइनस 1,
तो वापस अपने पास कितना बचेगा, k की पावर 3 प्लस 2 इक्वल आपके पास में 0। अब आपको चाहिए इसका पॉजिटिव मान, यानी अगर इसके बराबर 0 रखेंगे तब तो k की मान माइनस में आएगा। तो हम 8k की पावर 3 माइनस 1 इसके बराबर अगर 0 रखें तो k का मान यहाँ से कितना आएगा, 1/8 और ये हो जाएगा क्यूब रूट, तो अपना आंसर आएगा 1/2। k का मान आया अपने पास 1/2, तो यहाँ पर पुट करो कि k का मान अपने पास 1/2 और 1/k इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/1, तो 2 1/2 आपका आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे आपको सॉल्व करना है, तो आप इक्वेशन में नंबर को तोड़ लेंगे ताकि अपने पास पॉजिटिव मान आ जाएगा, इस तरह से आप इनको सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने, आसान सा क्वेश्चन है कि ए क्यू प्लस बी क्यू इजिकल टू 218 एंड ए प्लस बी का मान 2 दिया गया, देन आपसे पूछा गया रूट के अंदर 1 माइनस ए बी। तो अब देखो जो आपको गिवन है उसी से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं कि ए प्लस बी का मान आपको दिया गया है 2। अब आप जैसे ही दोनों तरफ क्यूब करेंगे, तो दोनों तरफ क्यूब करेंगे अपने पास अब आंसर कितना कितना आएगा, कि ए का क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस आता है 3ab एंड ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, ये होता है अपने पास पूरा पूरा फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यूब का। अब दूसरी साइड 2 का क्यूब कितना आएगा, 8। अब आप देखेंगे भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान तो अपने को दिया गया 218 प्लस 3ab एंड a प्लस बी मार्क का भी मान पता है 2 है, तो 2 × 3 अब ये कितना हो जाएगा 6ab इजिकल अपने पास कितना 8। अब देखो 218 के इस साइड भेजें नेगेटिव हो जाएगा, तो 6ab का मान कितना आएगा आपके पास, 8 को घटाओ कितना आएगा -210, तो ab का मान यहाँ से कितना आएगा -35। अब इसका यूज करते हुए आपको आंसर निकालना है कि रूट के अंदर कितना दिया गया -1 -ab और ab का मान है -35, तो -35 बाहर माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 35 एंड 1 कितना होगा 36 और रूट के अंदर 36 का मान कितना होगा 6, यानी 6 का स्क्वायर होता है 36। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना था, तो ये आपको फॉर्मूला याद होगा, यानी इसका क्यूब करेंगे क्यूब के बाद ये फॉर्मूला बनेगा तो अपना आंसर आ जाएगा। फिर देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये भी बिल्कुल फॉर्मूले के बेस पर, आपको फॉर्मूला याद है तो आप जल्दी से आंसर कर पाएंगे। देखो a प्लस बी प्लस सी का मान 11 दिया गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान 28 दिया गया, देन आपसे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान पूछा गया है। तो अब देखो इनका भी आपके पास फॉर्मूला होता है कि ए क्यू प्लस बी की पावर 3 प्लस सी की पावर 3 माइनस 3abc, तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी प्लस सी तीनों का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ये आपके सामने फॉर्मूला होता है। अब आपको ये फॉर्मूला याद होगा तो आप जल्दी से आंसर कर पाएंगे कि भाई आपको इसका मान दी तो पूछा गया, तो बाकी इसके वैल्यू रखो यहाँ पर कि ए बी सी का मान कितना 11, अंदर कितना होगा 11 का स्क्वायर 121, 3 × 28, तो 3 × 28 हो जाएगा 8 × 3 = 24, 84 माइनस 121, तो यहाँ से आएगा 37, तो 11 × 37 आपका आंसर कितना आएगा 704, यानी आपका आंसर आएगा 407। ऐसे आपको सॉल्व कर लेना, फॉर्मूला याद तो आपका आंसर विद इन सेकेंड्स के अंदर आ जाएगा, तो ऐसे आप इसको सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन अगला, बस इसके आपको स्टेप को समझना है। क्या आपको बोला कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान 18 दिया गया और x 0 से बड़ा है, फिर आपको x की पावर 3 प्लस 1/x³ का मान पूछा गया है। तो देखो इसको पहले कैलकुलेट करते हैं कि इसके लिए आपको जरूरत किस किस की पड़ेगी। तो इसका मतलब है कि एक्स प्लस 1/x का होल क्यूब करेंगे और उसमें से आप 3x 1/x and x + 1/x इतना आप घटाओगे तो आपके पास ऊपर वाला फॉर्मूला आ जाएगा, यानी x + 1/x का होल क्यूब माइनस 3 × x × 1/x ब्रैकेट के अंदर x + 1/x। तो आपको दो मान चाहिए,
एक तो x प्लस वन अपॉन एक्स और दूसरा x को वन अपॉन एक्स से मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करो यहां से ये, तो x से x तो कट गया। अब देखो आपको x प्लस वन अपॉन एक्स चाहिए तो ये आएगा आंसर यहां से, क्या आपको एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर कभी भी दिया जाए कि मान लो यहां पर आपको 18 दिया है तो आपको क्या करना, दोनों तरफ अगर आप दो दो ऐड करते हैं तो यहां पर जैसे आप दो ऐड करोगे यहां पर भी दो ऐड करते हैं तो ये तो फॉर्मूला बन जाएगा x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर और यहां पर दो ऐड करते ये कितना हो जाएगा 20। अब जैसे स्क्वायर हटाओ इस तरफ रूट आ जाएगा, यानी x प्लस वन अपॉन एक्स का मान कितना है आपके पास में रूट के अंदर 20, जिसको आप कितना लिख सकते हैं 2√5। अब आपके पास में x प्लस वन अपॉन एक्स का मान आ चुका है 2√5, इसको आप यहां पर पुट करते हैं तो 2√5 का क्यूब कितना होगा 2 का 8 5 रूट 5 का क्यूब 5√5 8 × 5 40√5 माइनस 3 × इसका मान भी कितना है 2√5, यानी अब आपको 40√5 में से 3 × 2 6√5 घटाएंगे आंसर कितना आएगा 34√5। ऐसे आपको सॉल्व करना है। तो बिल्कुल डायरेक्ट ये बात ध्यान रखेंगे, आपको दो को ऐड करेंगे तो यहां पर स्क्वायर बन जाएगा, फिर दूसरी तरफ आएगा तो रूट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे ढंग से समझना आपको कि x माइनस वाई इजिकल टू 11 देर का है, फिर 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन y इजिकल टू दिया आपको 11/24, देन आपसे पूछा गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। देखो ध्यान से इस चीज को आप देखते हैं, इसके लिए आपको किस किस नंबर की जरूरत पड़ेगी, तो आप इसको लिखते हैं तो आपको लिए जरूरत पड़ेगी x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3 एक्स वाई एक्स माइनस वाई, फिर आगे आपको दिया गया प्लस के अंदर एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, यानी आपको इसका मान निकालने को बोला जा रहा है। अब इसके लिए आपको x माइनस वाई का मान भी चाहिए और एक्स वाई दोनों का मल्टीपल भी चाहिए। अब इसको आप जैसे सॉल्व करते हैं, आपको पता है x माइनस वाई का मान डायरेक्ट पता है 11 होता है, तो आपने यहां पर लिख देंगे 11 का क्यूब, फिर प्लस हो गया। अब 3xy का मान निकालना पड़ेगा तो ये मान आप निकालेंगे यहां से, तो आप जैसे उसको सॉल्व करो कि 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई इजिकल टू देर का है 11/24। अब इसको सॉल्व करें, एलसीएम लेंगे कितना आएगा एक्स वाई, ऊपर आएगा वाई माइनस एक्स इक्वल अपने पास है 11/24। तो आपने देखा भाई अभी तक ये y माइनस है, यहां पर दिया है x माइनस वाई इजिकल टू 11, तो मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना आ जाएगा x माइनस वाई अपॉन माइनस एक्स वाई इजिकल टू अपना आ जाएगा 11/24। अब देखो x माइनस वाई का मान 11 तो एक्स वाई का मान माइनस 24, तो यहां पर आप रखेंगे 3 × एक्स वाई का मान आ जाएगा माइनस 24 और x माइनस वाई का मान है 11 प्लस अपने पास एक्स वाई किसका मान आया था माइनस 24 और इसका करेंगे अब आप स्क्वायर। अब देखो आगे सॉल्व करते हैं कि भाई 11 का क्यूब तो होता 13/31। अब देखो ये प्लस इंटू माइनस तो माइनस हो जाएगा 24 × 72 × मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 2 9 7 7 20 92 और प्लस हो जाएगा 24 का स्क्वायर 576। अब देखो आपको 1331 प्लस का है, 576 प्लस का है और 792 आपको माइनस का है, तो प्लस में से माइनस को आपको घटाना है तो इन दोनों को ऐड करके उसको घटा लो, या फिर पहले इसमें से घटा के बाकी वाले ऐड कर लेते हैं, तो इसमें से घटाते कितना आएगा माइनस 6, तो इसको आप घटाते हैं तो आपका आंसर आएगा कि 1 और 6 7 में से 2 गया 5, तो 5 ये दो ऑप्शन गलत हो गए, 5 फिर बचे 2, 12 माइनस 2 और 7 9, तो आपका आंसर आएगा 111 5, यानी लास्ट में अपना 15 आएगा तो आगे वाले ऑप्शन बी में ही है, तो पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, लास्ट के दो अंक आ जाएं तो आगे आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं, तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। अब देखो अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में रिपीट होता है इस पैटर्न के क्वेश्चन। आपको दिया गया x प्लस वाई का क्यूब प्लस 27x माइनस वाई का क्यूब इक्वल आपको कुछ इस प्रकार से एक्सप्रेशन दी गई है, फिर आपसे a माइनस बी माइनस सी का मान आपसे पूछा गया है, तो इसको ध्यान देने पहले आपके पास एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि अभी मैं पिछले वाले में लिखा था कि a क्यूब प्लस बी क्यूब
इसका मान क्या आएगा आपके पास में, ए प्लस बी, फिर ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये फॉर्मूला आपका काम आएगा इस क्वेश्चन के अंदर कि आपने देखा ये ए क्यूब हो गया, ये बी क्यूब हो गया, फिर ए प्लस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे, भाई ये 27 लिखा है तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई का क्यूब प्लस हो जाएगा 3x माइनस 3y का क्यूब, क्योंकि 3 का क्यूब ही 27 होता है, जिसको आपने बाहर लिख दिया था, अंदर लेंगे तो 3x माइनस 3y बनेगा। और इसको पूरे को जैसे आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, पहली बार a प्लस बी यानी 3x प्लस 1x यानी कितना हो जाएगा 4x, y माइनस 3y हो जाएगा माइनस 2y। तो ये बाहर वाली बात होगी। अब इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसका स्क्वायर और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई और माइनस हो जाएगा इनका साइन। तो पहले आप देखते हैं x का स्क्वायर कितना बनेगा, y का स्क्वायर कितना बनेगा और एक्स वाई का मान कितना होगा। तो आपने देखा एक्स स्क्वायर यहां से बनेगा x और 3x का स्क्वायर 9 यहां से आएगा, 9 और 1 10 और फिर इन दोनों का आपस मल्टीप्लाई x इंटू 3x, तो 3x स्क्वायर वापस बनेगा, यानी पहले अपना x स्क्वायर फिर बनेगा 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर। फिर इन दोनों को जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे वापस से तो x का 3x से मल्टीप्लाई होगा, 3x स्क्वायर यहां से आएगा, फिर माइनस का साइन आएगा, तो 9 और 1 10 में से 3 घटाओ कितना आएगा 7x स्क्वायर। फिर y वाले के स्क्वायर करेंगे तो यहां से 10 और इस बार प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 13y स्क्वायर। और फिर देखो यहां से 2ab कितना आएगा 2xy, यहां पर आएगा 3 इंटू 3 9 का डबल 18xy, वो भी माइनस का, यानी फिर कितना आएगा माइनस 16xy। तो इसको आप इस पूरे फॉर्मूले के आधार पर सॉल्व करते हैं तो अपने इसका मान कितना आएगा ये। अब आप इसको कंपेयर करते हैं कि भाई इस पूरे नंबर से ax माइनस 2y यानी यहां पर कितना है ax माइनस 2y, फिर अंदर की तरफ कितना दिया गया आपको bx स्क्वायर प्लस अपने पास में 13y स्क्वायर प्लस आपको दिया गया cxy। अब आप इन तीनों को कंपेयर करते हैं तो आपके पास मान आएगा, यहां से देखो एक का मान अपने पास कितना आ रहा है 4, बी का मान कितना आ रहा है 7 कंपेयर किया, इसी तरह सी का मान आ रहा है माइनस 16, तो सी का मान आया अपने पास माइनस 16। अब आपको इसका मान चाहिए तो अब आप इसका मान निकालेंगे, निकालो भाई a माइनस बी माइनस सी, यानी a कितना आपके पास 4, b कितना है 7, ये माइनस का c इन अब कितना हो जाएगा प्लस का 16, तो 16 और 4 20 में से 7 घटाओ आपका आंसर हो जाएगा 13। ऐसे आपको सॉल्व करना होगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, आप ट्राई करेंगे डायरेक्ट ऐसे सॉल्व करने की उसी फॉर्मूले के आधार पर कि पहले इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर फिर दोनों का मल्टीपल और बीच में साइन आएगा माइनस का, तो इसको आप डायरेक्ट सॉल्व करके फिर कंपेयर करेंगे तो आपका आंसर जल्दी आएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन आपको दिया x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इजिकल टू 21 एंड इसका मान दिया गया 7। अब ध्यान से समझना, एक अपने पास फॉर्मूला होता है कि x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, तो ये किसके बराबर होता, तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई और इसी का मल्टीपल होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, इन दोनों का मल्टीपल ही ये बन रहा है, यानी जस्ट पावर को आपने आधा किया, पावर फोर है पावर टू किया है, तो ये दोनों फॉर्मूले बने आपके पास हैं। इस कंसेप्ट पर बहुत अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब आपने देखा मान निकालना आपको इसका, तो इसको जरा सॉल्व करो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आ जाएगा एक्स वाई, जैसे आप एलसीएम से सॉल्व करेंगे, यानी आपको अब इसका मान चाहिए, इसके लिए आपको इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो अब आपने देखा भाई कि एक की इक्वेशन आपको देर की है, इसका मान तो गिवन है, सेम में इसका दूसरा लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, तो प्लस एक्स वाई का मान कितना आएगा 21 में 7 का भाग देंगे, क्योंकि इन दोनों का मल्टीपल है, अगर प्लस वाला इस साइड जाएगा तो माइनस वाला बच जाएगा, तो आपने जैसे ही 7 का भाग दिया ये कितना आ जाएगा 3। अब देखो इन्हीं दोनों फॉर्मूलों को आपने एक साथ लिखा है, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड,
अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो एक्स वाई से एक्स वाई कटेगा, एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, ये बनेगा आपके पास में टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसका मान आएगा तीन और सात दस। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा आपके पास में पाँच। सेम इसी तरह अगर आप इन दोनों को घटाते हैं तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, माइनस टू एक्स वाई, माइनस टू एक्स वाई, तब अपने पास मान आएगा सात में से तीन घटाओ चार, तो एक्स वाई का मान अपने पास आएगा माइनस टू। तो अब देखो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर अपने पास ये आंसर मिलेगा। तो आपको ये फॉर्मूला जरूर ध्यान में रखना है कि जब एक का मान दिया दूसरे का मान कैसे निकालते हैं, इसके अंदर ऊपर वाले में डिवाइड करेंगे, तो इस फॉर्मूले को जरूर ध्यान रखेंगे। अब देखो आपके पास अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिंप्लीफाई करना है, तो ऐसे डाटा से डरना कभी नहीं है, ध्यान देना। आपको बोला गया x माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर माइनस x माइनस वाई माइनस जेड का स्क्वायर। तो आपने देखो ये फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, कि एक बार प्लस और एक बार माइनस आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। बस यही आपको इसमें यूज लेना था कि एक बार प्लस एक बार माइनस दोनों का करेंगे मल्टीप्लाई, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही दिया गया है। तो दोनों को एक बार ऐड करो कितना आएगा, एक्स माइनस वाई प्लस जेड, और इसको भी ऐड करो प्लस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। एक बार ऐड कर लिया, एक बार हम इनका घटाएंगे तो एक्स माइनस वाई प्लस जेड, इसको जैसे घटाओ साइन चेंज हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड माइनस से मल्टीप्लाई, तो ये पी प्लस का जेड। अब इन दोनों करना आपको मल्टीप्लाई, अगर कोई नंबर कट रहा है तो उसको काट भी दो। आपने देखा यहां से कोई नंबर कट रहा है क्या, ये कट रहा है, जेड से जेड कट जाएगा, तो यहां पर क्या बचा टू एक्स माइनस टू वाई, यहां से अपना टू एक्स माइनस टू वाई बचा, यहां से देखो कितना बचेगा, एक्स से एक्स कट गया है, वाई से वाई कट गया, यहां पर बचा आपके पास टू जेड। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टू इंटू टू फोर एक्स जेड माइनस फोर वाई जेड, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ऐसे आपको सॉल्व करना होगा, तो बहुत आसान क्वेश्चन, आपको एक फॉर्मूला याद रखना छोटे वाला। अगला क्वेश्चन देखो, देखो अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पहले आपने किया था सेम उसी तरह से करना है, मैंने बोला कि कंपेयर से ही क्वेश्चन करना है, पूरा लेंथी मेथड आपको नहीं अपनाना है। आप देखो आप जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो आपको इससे कंपेयर कर लेना है, इसमें भी आपका क्या करना है कि ओनली ऑन टू को बाहर रखेंगे बाकी सब अंदर हो जाएगी। तो जैसे टू बाहर लिखेंगे सिक्स अंदर जाएगा और सिक्स इंटू टू यहां से आएगा ट्वेल्व सी। तो अब आपको ओनली ऑन टू को बाहर रखते हुए अब आप करेंगे इसका कंपेरिजन। तो यहां से ए स्क्वायर कंपेयर होगा सिक्स ए से, बी स्क्वायर कंपेयर होगा सिक्स बी से, और सी स्क्वायर कंपेयर होगा माइनस ट्वेल्व सी से। तो आपने देखा ए का मान कितना आएगा, ए स्क्वायर इजिकल टू सिक्स ए, तो ए का मान सिक्स, तो बी का मान भी कितना आएगा सिक्स, एंड सी का मान कितना है सी स्क्वायर इजिकल टू माइनस ट्वेल्व सी, तो सी का मान आएगा माइनस का बारह। अब आप इसका मान निकालते हैं कि रूट के अंदर ए बी, ए बी सिक्स इंटू सिक्स थर्टी सिक्स, फिर माइनस का साइन है ए बी सी सिक्स इंटू ट्वेल्व सेवेंटी टू, वो भी माइनस का, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस सेवेंटी टू। अगली बार फिर सी इंटू ए सिक्स इंटू ट्वेल्व वापस सेवेंटी टू, माइनस इंटू माइनस ये भी हो जाएगा प्लस। अब ऐड कर लो सेवेंटी टू एंड सेवेंटी टू वन फोर्टी फोर प्लस थर्टी सिक्स, ये हो जाएंगे वन एटी। तो रूट के अंदर वन एटी यानी इसका मान होगा थर्टी सिक्स इंटू फाइव यानी सिक्स रूट फाइव आपका आंसर आएगा। ऐसे आपको सॉल्व करना है, तो डायरेक्ट कंपेयर करेंगे तो आपका आंसर हमेशा जल्दी आएगा। चलो देखो अगला क्वेश्चन, देखो इसी के साथ में आप देखो अगले क्वेश्चन ध्यान से कि आपको दिया है ए प्लस बी प्लस सी इजिकल टू जीरो, और आपको इस पूरे का मान आपको निकालना है। एक ही इक्वेशन दे रखी है, इसमें तीन वेरिएबल है, तो आपको क्या करना है ऐसे इक्वेशन को कि आपको वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं, लेकिन कभी भी आगे पूछा गया उसका डिनोमिनेटर जीरो नहीं बनना चाहिए। तो आप इसकी वैल्यू पुटिंग कर सकते, एक का मान वन रख लो, बी का मान वन रख लो, सी का मान माइनस टू रख लो, जीरो बन जाएगा। आप इसके मान आगे पीछे कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो इसी मान के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी बी प्लस सी, बी प्लस सी माइनस वन, माइनस वन का स्क्वायर होता है वन, बी इंटू सी वन इंटू माइनस टू एंड माइनस टू, प्लस का साइन बी सी प्लस ए, तो वापस माइनस वन
और माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा प्लस वन। सी इंटू ए कितना होगा, माइनस टू इंटू वन माइनस टू। फिर ए प्लस बी यानी वन एंड वन टू का स्क्वायर हो जाएगा फोर। ए इंटू बी वन इंटू वन वन। अब इसको आप सॉल्व करो, माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू प्लस फोर, तो ये वन बाई टू एंड वन बाई टू वन हो जाएगा, फोर में से वन घटाओ आपका आंसर थ्री आ जाएगा। ऐसे आपको सॉल्व करना है, डायरेक्ट वैल्यू पुट की कि वैल्यू आपने प्रॉपरली वन वन माइनस टू रखे जीरो आ गया, तो ऐसे आपने सॉल्व किया। अब देखो अगला क्वेश्चन, एक फॉर्मूला मैं आपको और बता दूं, अगर कभी भी आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इजिकल टू आपको दिया जाए थ्री एक्स वाई जेड, इस तरह से आपके पास गिवन हो, तो आपको बात ध्यान रखना कि x प्लस वाई प्लस जेड इन तीनों का मान हमेशा कितना होगा, जीरो। अगर ये कंडीशन दी गई है तो इन तीनों का मान जीरो होगा। तो अब आप इसको आगे सॉल्व करते हैं, क्या आपने देखा ये वापस देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और क्या इनका मल्टीपल इक्वल थ्री ए बी सी दे रखा है, तो आपने देखा हाँ कि एक्स प्लस सिक्स ही तो ये होता है कि तीन अगर मैं बाहर ले हूं, तो वापस इसको आप क्या लिख सकते थ्री इंटू एक्स प्लस सिक्स, इसी में आपने तीन को अंदर ले लिया, बाकी है तो वही चीज। तो आपको पता है कि इन सभी का योग कितना होना चाहिए, जीरो। तो आप सबको ऐड करेंगे कि x प्लस सिक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री और प्लस कितना होगा थ्री एक्स प्लस फाइव, और इन सभी का मान किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर। आप देखो x टू एक्स थ्री एक्स एंड थ्री एक्स कितना हो जाएगा सिक्स एक्स, सिक्स एंड थ्री नाइन और फाइव फोर्टीन, तो x का मान अपने पास कितना रहेगा 14 बाई सिक्स, वो भी माइनस माइनस 14 आएगा, तो माइनस 14 बाई सिक्स, तो माइनस 14 बाई सिक्स यानी 7 बाई थ्री, वो भी माइनस का, आंसर आपका सी हो जाएगा माइनस 7 बाई थ्री। ऐसे आप क्वेश्चन सॉल्व करने, तो हमेशा जो मेरा आपके दिमाग में, तो फॉर्मूले आपको याद में रखना है, फॉर्मूले याद आपके दिमाग में, आप जल्दी से अप्लाई करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन बहुत अच्छे पैटर्न का है, ध्यान से समझेंगे आप इस क्वेश्चन को, कि x की पावर 2a इजिकल टू y की पावर 2a बराबर है z की पावर 2c, और ये किस कोई भी नंबर जीरो के बराबर नहीं है। फिर अगली कंडीशन एक और दे रखी है कि x स्क्वायर इजिकल टू होगा y और z का मल्टीप्लाई, फिर आपको इसका मान निकालना है कि इसका मान किसके बराबर होगा इन ऑप्शनों में से। तो देखो भाई यहां से आप इसको सॉल्व करते हैं कि x की पावर 2a बराबर है y की पावर 2b बराबर है z की पावर 2c। तो आपने देखा ये जीरो के बराबर तो नहीं है, लेकिन किसी नंबर k के बराबर रख देते हैं, किसी नंबर k के बराबर आपने इसको रखा है। तो अब देखो x का मान कितना आएगा, k की पावर 1 बाई टू ए, y का मान आएगा अपने पास k की पावर 1 बाई टू बी, और z का मान आएगा आपके पास में k की पावर 1 बाई टू सी, क्योंकि पावर जैसे दूसरी तरफ आएगी 1 के अपॉन हो जाती है। अब इसका यूज करेंगे x स्क्वायर इजिकल टू y इंटू जेड, कि x का स्क्वायर इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होगा, तो x का स्क्वायर करो कितना आएगा आपके पास में, कि x स्क्वायर इजिकल टू होता y इंटू जेड, तो x का स्क्वायर करो यानी कितना आएगा k की पावर 2 अपॉन 2a, 2 अपॉन 2a इन पावर 2 होगी जी। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, अब देखो बेस दोनों बराबर है तो मल्टीपल करो पावर ऐड हो जाएगी, यानी ये कितना हो जाएगा k की पावर 1 अपॉन 2b प्लस होगा 1 अपॉन 2c। अब देखो ध्यान से कि जब बेस दोनों के बराबर हैं और नंबर आपस में बराबर दिए गए, मतलब इसकी पावर भी बराबर ही होगी, तो अब आप इनकी पावर का यूज करेंगे, यानी 2 अपॉन 2a, तो 2 से 2 कट भी गया, तो यहां से बचेगा 1 अपॉन a इक्वल होगा 1 अपॉन 2b प्लस 1 अपॉन 2c। अब आप इनका अगर एलसीएम लेंगे यहां से, तो एलसीएम से कितना आएगा आपके पास में, एलसीएम यहां से आएगा कि 2bc अपने पास एलसीएम आ जाएगा, 1 अपॉन ए इजिकल आएगा 2bc, ऊपर आएगा अपने पास b प्लस सी। अब इसको आप जैसे आगे सॉल्व करेंगे, a का इससे मल्टीपल हो जाएगा 2abc ए साइड आएगा, तो 2bc इजिकल अपने पास आएगा ab प्लस ac, और अब आपके पास इस मान से आप
जिसका मान पूछा गया उसका आंसर आप निकाल सकते हैं कि AB प्लस AC की जगह आप क्या रख सकते हैं 2BC। तो अब आप इसका आंसर निकालेंगे तो BC अपनी जगह पर है और AB प्लस CA की जगह क्या लिख सकते हैं 2BC और डिवाइड किससे करना होगा BC से। तो 2 and 1 3 BC के अंदर BC का डिवाइड करो आपका आंसर कितना आएगा 3। ऐसे आपको सॉल्व करना है पूरा कंसेप्ट समझेंगे कि आपने इसके बराबर किसी वेरिएबल रखा है और फिर आपने इसको पावर के अंदर चेंज करते करते आए। तो वीडियो को पॉज करके वापस समझ लेना इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो आपके सामने अगला क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से समझेंगे। अभी देखो CGL के एग्जाम चल रहे हैं उनमें भी इसी पैटर्न के आधार पर क्वेश्चन आ रहे हैं तो आने वाले एग्जाम में भी आएंगे। आपको दिया गया 5x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 4, देन आपको इसका मान पूछा गया। अब देखो अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं तो 5x यानी 25 यहाँ पर आएगा, लेकिन यहाँ तो अपॉन में दिया गया यानी आपको इस नंबर को चेंज करना होगा। तो इसको चेंज कैसे करेंगे ध्यान देंगे कि 5x प्लस 1/3x इसका मान दिया गया आपको 4। अब आपको अगर 5 को 3 और 3 को 5 की जगह लाना है तो एक काम करो आप इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा दो 3/5 से। अब 3/5 से आप जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे अब यहां से कितना बन जाएगा 3x, यहां पर बनेगा 1/5x और यहां पर बन जाएगा 12/5। ये चेंजेज आपको इतना करना होगा कि आपने जो पहले दिया गया उसको 3/5 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया तो अब ये नंबर चेंज हो गए। अब आप करेंगे इसका स्क्वायर कि इस पूरे का स्क्वायर कर देते हैं और दूसरी तरफ आप इस पूरे का भी स्क्वायर करेंगे तो आपने इसका स्क्वायर जैसे करेंगे कितना आएगा आपके पास में 9x² प्लस 1/25x² यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a² + b² प्लस 2ab भी आता है 2 × 3x × 1/5x और दूसरी तरफ स्क्वायर किसका होगा 12/5 का, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25। अब आपको इसका मान तो चाहिए यानी अब इन दोनों को इस साइड भेजेंगे। उससे पहले ध्यान दो कि इस x से ये x कट भी रहा है तो यहाँ पर कितना आएगा 2 × 3 6/5। तो जैसे आगे सॉल्व करते हैं तो 144/25 अपनी जगह पर है, माइनस घटाते आप 6/5। अब देखो आप एलसीएम लेंगे 25 और यहाँ 5 को 25 बनाएंगे, 5 से मल्टीप्लाई यानी 30 घटेगा तो 114/25 ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ऐसे आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको बस एक ही फॉर्मूला लगाना, पहले इसका चेंजेस करना था फिर आपको स्क्वायर करना था तब आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आप इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे आपको और जल्दी से आंसर निकलेंगे, कोई भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है। यहां से देखो P का मान कुछ दिया गया, Q का मान कुछ दिया गया, R का मान कुछ दिया गया, फिर आपको बोला P × Q / R कि इसका मान कितना होगा। तो पहले आप इन चीजों को थोड़ा सा सही से बना लो कि P का मतलब क्या है, यहां से x^4 - 8x। अब देखो x का अगर मैं यहां से डिवाइड करूं दोनों में कॉमन लेके तो p का मान अपने पास कितना आएगा, p का मान आएगा x अगर कॉमन लिया जाए x³ - 8 डिवाइड करें x यहां से कॉमन ले कितना आएगा x² - x - 2 और x से x कट जाएगा, p का मान इतना बचा। अब इसी को भी आप आगे और तोड़ सकते हैं, हम देखो एक साथ ही लिखते थे पूरा कि p का मान अपने अब कितना बचा है उसी को नोट करते हैं। अब देखो इसको भी आप तोड़कर लिख सकते हैं कि x³ - 8 यानी x का क्यूब है और यहाँ पर ये 2 का क्यूब 8 बन रहा है, 2 का क्यूब 8 होता है। तो अब आप इसको लिखेंगे कि p × q यानी x³ - 8 डिवाइड कर रहे हैं आप x² - x - 2, ये आपने लिख दिया गया। अब इसका मल्टीप्लाई किससे होगा q से, q का मान कितना दिया गया x² + 2x + 1 अपॉन कितना आपके पास में x² - 4x - 5। फिर देखो मल्टीप्लाई है, अब देखो डिवाइड है r का
तो आर को डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो इसके जो फ्रैक्शन वैल्यू जो उल्टी हो जाएगी कि नोमिनेटर जगह डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर जगह नोमिनेटर, कि मल्टीप्लाई साइन आ जाएगा लेकिन ये फ्रैक्शन उल्टी हो जाएगी, एक्स माइनस फाइव और ये नोमिनेटर होगा डिनोमिनेटर जगह आ जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस एट। अब आप इसको और आगे सॉल्व करेंगे, अब ध्यान से देखें इसको जैसे आप सॉल्व करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो इसको आप लिख सकते हैं एक्स माइनस टू, अंदर बचेगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी अपॉन दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, तो इसको आप लिख सकते हैं एक्स माइनस वन एंड एक्स माइनस टू, ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स माइनस टू करेंगे तो एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको आगे मल्टीप्लाई इसको क्या लिख सकते हैं आप, ये तो हो जाएगा डायरेक्ट x प्लस वन का होल स्क्वायर बन रहा है यानी x प्लस वन एंड x प्लस वन का मल्टीपल है। इसको तोड़ो जरा कैसे तोड़ सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव यानी फाइव से टूट रहा है फाइव प्लस वन यानी ये बनाएगा x माइनस फाइव एंड x प्लस वन, तो आपने इन दोनों को तोड़ के लिखा। इसी तरह आप इसकी बात करें ये तो अपने पास मल्टीप्लाई कितना है x माइनस फाइव, इसमें अगर आप टू बार कॉमन लेंगे अंदर कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर। अब देखो आप इस पूरी चीज को आसानी से समझते हैं कौन सी चीज कट रही है, तो आपने देखा भाई एक्स माइनस टू से कोई नंबर कट रहा है, एक्स माइनस टू से एक्स माइनस टू कट गया, एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन कट गया, एक्स माइनस फाइव से एक्स माइनस फाइव कट गया। अब बचा आपके पास ये दो चीजें कि एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस टू एक्स, अब देखो x प्लस वन से x प्लस वन भी कट गया, अब आपके पास ये दो चीज़ें बची हैं। अब देखो ये माइनस का था तो ये प्लस का रहेगा तो ये भी सारी चीज़ें इससे कट जाएगी, यानी जब आपने इसको लिखा था ए क्यूब माइनस बी क्यूब ठीक है, तो आपके पास जैसे आपने इसको तोड़ा था कि एक्स क्यूब माइनस एट तो ये ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगेगा तो अंदर प्लस का साइन आएगा यहाँ पर ठीक है, अंदर का प्लस का साइन आएगा तो ये भी नंबर बाद में से कट जाएंगे। अब देखो सारे नंबर कट चुके ओनली वन दो बचा है यानी आपका इसका आंसर कितना आएगा वन बाई टू। ऐसे आपको सॉल्व करना होगा कि इक्वेशन को तोड़ना कैसे कि दोनों रूट के हिसाब से आपको नंबर देखते हैं कि यहाँ पर टू एक्स बना यानी एक्स प्लस वन का स्क्वायर होता है, इसको आपने तोड़ना चाहता इसको ये तो डायरेक्ट कट रहा था लेकिन इसको आपको तोड़ना था कि यहाँ पर पाँच बना यानी पाँच को एक से मल्टीपल हुआ इन जोड़ने घटाने से फोर एक्स बना है और मल्टीपल से पाँच बना है तो पाँच और एक होगा, ऐसे आप इक्वेशन को तोड़नी होगी फिर आप इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसको आप वापस भी समझ लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपके पास इसी सेम पैटर्न का एक क्वेश्चन है, डाटा चेंज है, पढ़ो इस क्वेश्चन को कि P का मान दिया Q का मान दिया एंड R का मान दिया गया, फिर आप पूछा P डिवाइड बाई Q मल्टीपल है R से कि इसका मान कितना होगा, तो वापस पिछली बार की तरह इसको भी आप नोट करेंगे उसी तरह से पी क्यू आर को एक सीधी लाइन के अंदर। तो अब देखो इसको मैं अगर अलग अलग लिखूं तो p का मान यहां से देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब यानी इसका मतलब होता है x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई और अपॉन आपको दिया x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस थ्री एक्स वाई यानी इसका स्क्वायर ओपन करो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई एंड प्लस थ्री एक्स वाई ये हो जाए एक्स वाई, तो इसका मान आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, तो ये आपने P का मान निकाला। इसी तरह आप Q का मान निकालें, इसी तरह R का मान निकालें, तो अब देखो इसको डायरेक्टली एक ही लाइन में सीधा सॉल्व करते हैं, तो इसको आप लिखते हैं P का मान दिया गया है कि x प्लस वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन अपने पास कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस एक्स वाई, तो ये लिखा आपने P, फिर P का मल्टी डिवाइड किससे Q से यानी Q को मल्टीप्लाई करते इसकी फ्रैक्शन उल्टी हो जाएगी, तो वापस आप Q को भी लिखेंगे Q कितना है एक्स क्यूब माइनस वाई तो यहाँ वापस इसका रिवर्स हो जाएगा x माइनस वाई और अंदर हो जाएगा आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई और अपॉन कितना आएगा x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस थ्री एक्स वाई है यानी अब टू एक्स वाई आएगा उसमें से थ्री एक्स वाई घटाएंगे कितना बचेगा माइनस एक्स वाई यानी ये कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
माइनस एक्स वाई। अभी तक आपने देखो P और Q का काम किया, R अभी तक बाकी है। चलो इसको यहाँ से सॉल्व कर ले इतना, फिर आगे R की मल्टीप्लाई करा ही देते हैं। तो आपने देखा यहाँ से देखा जाए इतने सारे नंबर तो कट ही रहे हैं और ये नंबर कट गए, बचा क्या आपके पास यहाँ से x प्लस वाई और मल्टीपल बचा है x माइनस वाई। और अब इसका मल्टीप्लाई किससे होगा, R से। और R अपने पास कितना, x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मल्टीप्लाई होगा इसका x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस है x माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन है आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर। तो अब देखो जो आपके इसके मल्टीपल है इन दोनों को सॉल्व करने से वापस ये तो इस पूरे से कट रहा है क्योंकि x प्लस वाई और x माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आता। अब बचा ओनली ऑन ये कि x प्लस वाई का स्क्वायर एंड x माइनस वाई के स्क्वायर का सम। तो जब इन दोनों को सम करेंगे आपका आंसर कौन सा होगा, टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ऐसे आपको सॉल्व करना था इन क्वेश्चनों को। तो दोनों क्वेश्चन अच्छे थे, दोनों को आप वापस रिपीट देखेंगे कि कैसे कैसे आपने इस इक्वेशन को तोड़ा है और कैसे कैसे सॉल्व किया है। अब देखो अगले एक दो क्वेश्चन बिल्कुल आसान से कर लेते हैं। तो आपको देखा कि x प्लस वन अपॉन एक्स इजिकल टू इलेवन। तो अब देखो इसका फॉर्मूला ध्यान रखना कि कभी भी x प्लस वन अपॉन एक्स इजिकल टू आपको कोई एक वेरिएबल दिया जाए तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब क्या होता है, डायरेक्ट लिखेंगे आप के क्यूब माइनस 3k। तो यहां पर आपको इसका मान 11 दिया गया तो क्यूब पूछा गया आपका आंसर कितना होगा, 11 का क्यूब माइनस 3 इंटू 11 यानी 1331 में से 33 घटाओ आपका आंसर कितना आएगा, 1298। ऐसे आपको सॉल्व कर लेना है। तो डायरेक्ट लिखेंगे जब आपको ये चीजें याद रहेगी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला भी आसान है, अगले के लिए भी शॉर्टकट ध्यान रख लेना आप कि जब भी आपको a प्लस वन अपॉन ए यानी x भी हो सकता है a आपको k दिया जाए तो ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर का मान अपने पास कितना रहेगा कि इस k का स्क्वायर करेंगे और इसमें से 2 घटाएंगे, ये अपने पास आंसर आएगा। तो आपने जैसे एक बार इसका स्क्वायर करो कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर का मान आएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 यानी 7। अब आपको पावर 4 चाहिए तो पावर 4 चाहिए तो एक बार आपको स्क्वायर और करना पड़ेगा। तो एक बार और स्क्वायर करेंगे ए की पावर 4 आ जाएगी प्लस 1 अपॉन ए की पावर 4 आ जाएगी और यहाँ पर क्या आएगा 7 स्क्वायर माइनस 2 यानी 49 में से 2 घटाओ आपका आंसर आएगा 47। यहाँ पर दो बार रिपीट हुआ है तो ये पैटर्न ध्यान रखना आपको कि प्लस से आपने स्क्वायर किया है तो माइनस 2 करेंगे और क्यूब वाला लास्ट वाला क्वेश्चन आपने देखा था। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। अब देखो आपके सामने एक अच्छा सा क्वेश्चन वापस है, इसको सॉल्व करने का आप ट्राई करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे। आपको दिया गया x की पावर 4 माइनस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इजिकल टू 0, देन आपसे इसका मान पूछा गया। अब देखिए जिसका मान पूछा गया उसको आप सही ढंग से लिखेंगे कि x की पावर 6 माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है यहां पर ये 5 अपॉन एक्स स्क्वायर है माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस 5 ऐसा सी में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको देखो अब कैसे सॉल्व करते हैं कि x की पावर 6 और 6 वाले एक साथ में ले लेते हैं यानी x की पावर 6 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 6, फिर आप इन दोनों का यूज लेंगे यानी माइनस में बाहर कॉमन ले हूं माइनस 5 अगर मैं कॉमन लो अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस 5 अपने पास में बाकी रह गया। अब आपको इनका मान चाहिए और इसका मान आएगा इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे। अब देखो अगर मैं इस इक्वेशन पूरी में एक्स स्क्वायर का डिवाइड करूं तो यहां से क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 6 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इजिकल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान यहाँ से कितना आ रहेगा कि 6 को दूसरी तरफ भेजो प्लस का हो गया तो आपने लिखा इसका मान तो 6 आ गया। और आपको निकालनी पावर 6 तो पावर 6 यहाँ से क्यूब कर दें और क्यूब वाला अभी आपने सीखा था कि जब माइनस का आए तो डायरेक्ट आप इसका क्यूब करेंगे तो एक्स की पावर 6
माइनस वन अपॉन एक्स की पावर सिक्स क्या आएगी कि छः का क्यूब करो प्लस थ्री इंटू सिक्स। जब आप माइनस से माइनस का क्यूब करें तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करेंगे। सिक्स का क्यूब कितना होता है 216 प्लस 18 कितना हो जाएगा 234, तो ये तो आएगा आपके पास 234 माइनस 5, इसका मान 6 है, 6 प्लस 5। तो अब देखो 234 में से आप घटाएंगे 30 और प्लस 5 ऐड करें 25 घटाओ, आपका आंसर कितना आएगा 209। ये आपका सॉल्व हो जाएगा, ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसी तरह से आगे भी प्रैक्टिस सेशन लाए जाएंगे, तो आप एक बार इस पूरे वीडियो को वापस देखेंगे ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ आ जाएगा, आप 2x की स्पीड से देख सकते हैं। तो पूरे सेशन के साथ बने रहने के लिए आपको धन्यवाद, और आगे भी ऐसी क्लासें लाई जाएगी जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगी।